बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहुँचे बुलंदियों में वो औजे कमाल पर बलगल उला बि कमालिही, गायब अंधेरे उनकी नमूदे जमाल पर कशफत दुजा बिजमाली है, हुस्न अक्सरेज सब उनके खिसाल पर हसनत जमीउ खिसालिही, उन पर दुरूद और उनकी आल पर सल्लू अलैहि व आलिही। सब पढ़ें दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिब क़ाब क़ौसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा। हमारे इंतहाई काबिले सत ताज़ीम जनाबे अल्लामा मौलाना हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान क़ादरी साहब दामद फ़युदहुम की सरपरस्ती में और इसी तरह इस मस्जिद के दीगर मुंतज़मीन उनकी सरपरस्ती में जनाबे मोहतरम कारी मोहम्मद यूनुस क़ादरी साहब की क़यादत में और जनाबे कारी अता हुसैन साहब उनकी निगरानी में ये सारी बज़्म जारी है और इसकी रौनक आप सब हैं जो बैठे हुए हैं, तो ज़रा सुबहान अल्लाह कहें, रौनक और ज़रा ज़रा माशाल्लाह। ये 11 नबवी की बात है, नबूवत का 11वां साल। मशहूर रवायत के मुताबिक 27 रजबुल मुरज्जब की रात पीर का दिन नबी रहमत शफ़ी उम्मत ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चचा ज़ैद बहन हज़रत सैयदा उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं। ये हमशीरा हैं हज़रत सैयदना मुश्किल कुशा शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से छत के रास्ते से हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, रब का पैगाम पहुँचाते हैं। आपको साथ लेकर हरम शरीफ में पहुँचते हैं। हरम यानी कि काबा मुअज़्ज़मा जहाँ है, मस्जिद हराम जिसको कहते हैं। मस्जिद हराम के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम का शक़े सदर होता है, सीना मुबारक खोला जाता है, दिल निकाला जाता है, उसे आबे जमजम से धोया जाता है, उसमें ईमान और हिकमत को भरा जाता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पहले खाली था, पहले ही भरपूर था, लेकिन यहाँ इस रात को मज़ीद एजाज़ो इकराम के लिए ऐसा किया गया। समझाने के लिए मिसाल ये है कि जैसा आप मिसाल के तौर पे जुमेरात को आपने साफ़ सुथरे कपड़े भी पहने हैं, पाक साफ़ हैं, फजर की नमाज़ भी आपने जुमा को सुबह पढ़ी, लेकिन जब जुमा का वक्त आया तो आपने सोचा कि अब जुमा के लिए जाना है तो अच्छी तरह गुस्ल करके खुशबू लगा ली, हालांकि पाक आप पहले ही थे, लेकिन ये जो गस्ल है ये जुमा के एहतिमाम के लिए, तो यहाँ ये एजाज़ व इकराम के लिए, मज़ीद आपकी शान को ज़ाहिर करने के लिए। और फिर वो सारा मामला मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद देख रहे हैं और ख़ुद ही बयान फरमा रहे हैं। दिल का खुल जाना, सीने का खुल जाना, दिल का निकाला जाना। बाद में बड़े बड़े सर्जिकल ऑपरेशन भी अब होते हैं, लेकिन उस वक़्त तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं था। अगरचे ये मिसाल भी नहीं बनती उसके साथ, लेकिन इशारा तो होता ही है ना कि वक्त जो है वो आगे आगे जैसे जाएगा तो बहुत कुछ नज़र आएगा। व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने कुरान में पहले फरमा दिया कि वो तुम्हारे लिए वो कुछ पैदा करेगा जिसको तुम जानते नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए एक बुर्राक़ लाया गया, जन्नत का ये जानवर है, इससे पहले इस पर कोई सवार नहीं हुआ। कद इसका गधे से कुछ ज़्यादा, खच्चर से कुछ कम, यह हदीस के अल्फाज हैं जिनका मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। और उसकी स्पीड क्या है, जहाँ उसकी नज़र पड़ती थी वहाँ उसका कदम पड़ता था। अब हमारी नज़र, हम अगर आप में से कोई, मेरी नज़र तो कमज़ोर है, आप में से कोई बाहर अगर जाके आसमान तक देखे तो नज़र कहाँ तक आम आदमी की पड़ती है, आसमान तक। हाँ जी, तो वो बुर्राक जो कि बिजलियों से बना हुआ और है भी जन्नती जानवर, तो स्पीड का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। आज के दौर में तो परेशानी भी की कोई बात नहीं है, उस वक्त सोचा जा सकता था, फ़कत ख्वाहिश की जाती थी आसमानों पे उड़ने की, हवाओं में उड़ने की, हवाओं में तैरने की, कि कोई बड़ी बिल्डिंग हवा में तैर रही हो अगर कहा जाता तो लोग परेशान हो जाते, कैसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब साइंस ने साइकिल, मोटरसाइकिल, बसें, डाय वो रेलगाड़ियाँ, फिर बहुत जो मैग्नेट वाली रेलगाड़ी, और फिर क्या क्या, फिर जहाज़, फिर अब तो खलाई शटल्स बना लिए, तो उनकी स्पीडें वो तो इंसान ने बनाई है, ये तो रब ने भेजा है। तो बुर्राक पे सवार होने लगे। बुर्राक थोड़ा खुशी में ज़रा शोखी की उसने, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा, यानी ख्याल कर नबी रहमत सारे सारी सारी मखलूक के आका तुझ पर सवार होने वाले। अदबन ठहर गया, लेकिन वो पहले भी ज़रा कोई बेअदबी नहीं कर रहा था, खुशी मना रहा था ना कि सरकार आ रहे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हुए, फरिश्तों के जुर्मट में तशरीफ ले जा रहे हैं। क्या बात है इस रात की। इमाम अहले सुन्नत कहने लगे कि वो सरवर किश्वर रिसालत जो आर्श पर जलवा गर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियाँ मुबारक, चमन को आबादियाँ मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये गुर आना दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। और वो छूट पड़ती थी उनके रुख की कि आरिश तक चांदनी थी छट की। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्बाए नहीं थी। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जब ले जाया जा रहा था तो उस मंजर को कौन बयान कर सकता है कि फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के वक्त जो तैयारी हुई है। हर कोई अपने अपने तख़य्युलात बयान करता है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के तख़य्युलात पर भी कुर्बान जाएं कि जिसमें अदब का भी पहलू मौजूद होता है और कुरान और हदीस के अहकाम की पाबंदी भी होती है। तो वहाँ पर वो कहते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा। उतार कर उनके रुख का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तैयारियों में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो गुस्ल फरमाया या वज़ू फरमाया, उसके हवाले से भी बचा जो तलवों का उनके दोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। दोबार कैफ आप तर्जमा में करें वरना सारे आप जैसे पढ़े लिखे थोड़े ही। सुभान अल्लाह। बस इहदा तर्जमा आसान जा करते हैं, सब सोहने तो सोहना है चेहरा हजूर दा, तकिया नसीबा वालिया ने जलवा हजूर दा। इन्हां सारिया शेरां दा तर्जमा साडे वास्ते इन्ना ही काफ़ी है। सब सोहने तो सोहना है चेहरा हजूर दा, तकिया नसीबा वालिया ने जलवा हजूर दा। ते जिन्हां ने उस राज तकिया दी तो फिर होर ही मजा सीना। ठीक है जी। आला हजरत उसमें कहते हैं ना कि हम भी वहाँ मौजूद होते, यानी हम भी वहाँ होते हैं जी। आला हजरत वसरत का इजहार करते हैं वहाँ पर। बाहर कैब वो अब सारे शेर अगर मैं पढ़ूँ मुफ्ती साहब वाली बात है कि फिर वो तकरीर तो मुश्किल होगी, कसीदा लंबा हो जाएगा और सारे मुझे याद भी नहीं, वैसे दावा भी कोई नहीं है। तो जो चंद मैंने पढ़े हैं वो इसीलिए कि वो मंजर जो है ना जी, उस मंजर को हम बयान नहीं कर सकते। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक पहुँचे। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जान दिल से है प्यारा मदीना। उस रात अजमत मदीना का भी इजहार किया गया। वहाँ पर रुके, दो नफल पड़े। अर्ज किया गया हुजूर ये वो जगह है जहाँ आप हिजरत करके आएंगे। मेरा मस्कन मदीना हो, मेरा मदफन मदीना हो, मेरा सीना ही मदीना बना दो या रसूल अल्लाह। मदीना मुनव्वरा के बाद सफ़र आगे चलता है और कोहे तूर सीना, जहाँ पर सैयदना कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ रब ने कलाम फरमाया जैसे उसकी शान के लायक है, वहाँ पर भी उतर कर नफल पड़े। फिर बैतुल्लहम आया, हज़रत ईसा आला नबी अलैहिस्सलाम के मीलाद की जगह, यहाँ नबी का मीलाद होता है, हमारे आका वहाँ उतरते हैं, दो नफल अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। बात तो आप समझ रहे हैं ना, सारी निस्बतों की बहारें। मदीना मुनव्वरा भी निस्बत वाली जगह, को है तूर सीना भी और बैतुल्लहम भी। सुभान अल्लाह। तो निस्बतों वाली जगह पे जाना ठहरना या अल्लाह की इबादत के लिए वहाँ शुक्राने के नफल अदा करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इबादत अल्लाह ही की है ना, किसी जगह को इकराम मिला है, निस्बतें मिली हैं। बाहर कैफ सफ़र जारी है और मस्जिद अक्सा तक पहुँचे। आइए आया करीमा का भी सहारा लेते चलें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह इसरा या बनी इसराइल, इसकी पहली ही आयत में, और क़ुरान के एजाज़ को यहाँ देखिए, वाक़या इतना बड़ा, नबी पाक के मोजज़ात की एक कहकशां है इस वाक़या महराज में। कोई एक मोजज़ा है ये एक मोजज़ा नहीं, मोजज़ों की कहकशां है। और कुरान का भी मोजज़ा देखिए, एक आयत में सब बयान कर दिया है। सुब्हानल्लज़ी, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। अल्लाह की तस्बीह खुद अल्लाह बयान कर रहा है। हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमज़ोरी से वो ज़ात पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा दिन में 100 मरतबा पढ़े ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, उसके पहले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रब बुलंद आवाज़ से कहें सुब्हानल्लाह। तो सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। यहाँ पर ही मुँह बंद कर दिए। सैर किसने कराई थी? सवाल होता है ना कि सैर करने गए थे, कौन लेके गया था? ये सैर सारी कायनात के खालिक व मालिक ने कराई, जो हर ऐब से पाक है, वो ले गया। अब कैसे गए, क्यों गए, कहाँ गए, समझ नहीं आती, ऐसे हो नहीं सकता। फरमाया चुप, ये उसके लिए कहो ना कि जो कोई आजिज हो, ये तो वो ज़ात है जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो लेकर गई। जिसने सैर करवाई है वो हर ऐब से पाक है, वो लेकर गई। तुम्हारा कोई सवाल बनता ही नहीं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। सुभान अल्लाह। कैसे, कैफा का मतलब होता है ना कैसे, ये कैसे वैसे वहां खत्म हो जाती है। कैसे तो होती ना हमारे सामने, कोई हमें बात करें, हमको मैं कहूँ जी कि मैं इतनी जल्दी उधर चढ़ गया, आप भाई कैसे, आपको तो नजर नहीं आता, आपकी तो कोई बाजू पकड़ता है तो चलते हो, मुझे तो कैसे आप कह सकते हैं ना। लेकिन जो ज़ात है सुबहानल्लज़ी, वहाँ कैफा की बात नहीं। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफ़ा के यूं कैफ के पर जहां जले, कोई बताए क्या के यूं। और कसरे दना के राज में अकलें तो गुम हैं जैसी हैं। कसरे दना वो जो रब की कुर्ब की मंजिल है। कसरे दना के राज में अकलें तो गुम हैं जैसी हैं, रूहुल कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। सुभान अल्लाह। जेड़ा जेड़ा नाल जान वाला सी, वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम एक जगह आई कि उस तो बात होना तो भी बस रूहुल कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं। तो बाहर कह सुभान अल्लाह दी, पाक है वो जात जो ले गई, लेके इसको गई। यहाँ भी मोहम्मद ने कहा, भी अहमदा भी नहीं कहा, कुछ और भी नाम नहीं लिया, भी मुजम्मिल ने कहा, बिन नबी ने कहा, कहा भी आबदी ही, अपने खास बंदे को ले गई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, या मोहम्मद बिमा उशर्रिफुका, ए मोहम्मद तुम्हें किस चीज का टाइटल एजाज शर्फ अता करूं। शर्फ तो बेशुमार अता किए ना, यहाँ खास तोहफे के हवाले से। या बाज लोग इसका तर्जुमा यूं करते हैं कि ए मोहम्मद बताओ तुम्हें किस वजह से यह शर्फ मिला है। बहरहाल दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये ज़रा इसमें ज़्यादा मज़ा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि तुम्हें किस शर्फ से मैं एजाज़ अता करूं। नबी पाक ने अर्ज़ किया, बि अन तनसिबा नी इला नफ्सी कबिल अबूदिया, मौला करीम मुझे अपना बंदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। अबूदियत सबसे बड़ा पैगाम है मेराज में बंदगी का। अभी आपने नमाजों का सुन लिया है, सफ़र शुरू हुआ है, नमाजें जारी हैं। मदीना मुनव्वरा में भी नमाज, तूर सीना पे भी नमाज, बैतुल लहम में भी नमाज, आगे भी नमाज आएगी, उससे आगे भी नमाज आएगी। समझ आ रही है मुझे। बंदा क्या होता है? बंदा वही होता है जो बंदगी करता है। बंदगी क्या होती है? इंतहाई ताज़ीम उस ज़ात को जिसको, उस ज़ात के सामने जिसको माबूद समझता है। सुभान अल्लाह। मौला करीम अपना बंदा कह रहे हैं, और इसीलिए कुरान करीम में जिक्र अंबिया किराम के नाम के साथ जब आब्द ना कहा तो साथ नाम भी जिक्र किए, लेकिन ये बंदा खास है। जहां जहां अल्लाह ने अपने महबूब को अब्द ही कहा, साथ नाम जिक्र नहीं किया कि बंदा खास जो सबसे खास है वो एक ही है। सुभान अल्लाह। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकाना अला अब्दिही, पाक है वो ज़ात, बरकतों वाली वो ज़ात है जिसने फुरकान अपने खास बंदे पे नाज़िल किया। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनात, वही ज़ात है जिसने अपने खास बंदे पर आयात बय्यिनात नाज़िल की। तो महबूब करीम को वो नाम बड़ा पसंद है, अब्दिही। कहा अपने बंदे को लेके, बंदा और क्या हिकमत है भाई। अब्द होता क्या है? जिसमें रूह भी हो जिस्म भी हो, जिस्म भी हो रूह भी हो। और इस आया करीमा से नसे कतई से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर साबित है, और बदनी में राज साबित होती। ख्वाब की बात ही नहीं है। ख्वाब होता तो इतने एहतिमाम से जिक्र क्यों होता? लैलन, पाक है वो जात, रब अपनी शाने बयान कर रहा है, तो क्या ख्वाब की बात होगी? अपने खास बंदे को ले गई। वक्त कितना लगा? सवाल होता ना पहले, लेके करो गया, सैर की किसने? अब जी किस टाइम गए थे, कौन सा पीरियड था, हफ्ता कौन सा था, साल कौन सा था, वक्त कितना लगा, कितनी देर के लिए विजिट किया? फरमाया लैलन, लैलन, रात का थोड़ा सा हिस्सा, रात का थोड़ा सा हिस्सा। वक्त रंगीन नज़ारों में ढलता रहा, बिस्तर भी गर्म, पानी चलता रहा। उम्मे हानी खड़ी थी मगर बेखबर, जैसे उनके घर में कोई भी आया नहीं। इतना सा बस वक्त। लैलन, रात का मुख्तसर सा हिस्सा। हालांकि असरा के अंदर, मुफ्ती साहब, असरा के अंदर ही रात को सैर करने का माना मौजूद है। असरा रात के वक्त सैर कराई, लेकिन तजरीद हो गई और लैलन को स्पेशल जिक्र करके रात की किल्लत को बयान किया गया। रात का माइनर सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा। किधर से गए, सफर शुरू कहाँ से हुआ, कितों सफर का स्टार्ट किया? आम सवाल है जो आपस में करने हैं ना। सैर कितने, कितों गए सो, कितने गए सो, भाई कहाँ से गए? ये मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको कुरान पाक के एजाज के हवाले से कि एक आयत में पूरे सफर को समो दिया। इस इजमाल और इस एजाज में भी कुर्बान जाएं। मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से गए, किस तरफ गए? इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ। अच्छा जी हम गए जी मरी गए जी। मरी क्यों गए जी? उत्थे बर्फ है जी, बड़ी सोहनी बर्फ देखने गए सन जी। वो कहाँ गए जी? वो कश्मीर गए जी। पहाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत, वहाँ पर दरख्त बड़े प्यारे, नदी नाले झरने आबशारें, दरिया, बलखाती वादियाँ, सड़कें देखने गए। ऐसा ही होता है ना, फुला मुल्क में क्यों गए ये वजह थी भाई, मस्जिद अक्सा में क्यों लेकर गए उसकी क्या वजह? अल्लज़ी बारकना हौलहू, मस्जिद अक्सा वो है जिसके गिर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। बरकतें खाली क्या है? बागात भी हैं, रब की नेमतें भी हैं, फल भी हैं, सारा कुछ है, ये भी बरकतें हैं। लेकिन एक ख़ास बरकत ये है कि वहाँ पर सैकड़ों अंबिया किराम के मज़ारात भी हैं, और जहाँ अल्लाह का नबी आराम फरमा होता है वहाँ रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं, बरक़ात हैं, और वही वही नाजिल होने की वो जगह है। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के वहाँ कदम रखने की एक वजह यह थी कि माशर के मैदान में भी ये जगह शामिल होगी। माशर का मैदान जहाँ सब लोग जमा होंगे उससे भी निस्बत हो जाए। क्यों गए जी? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने महबूब को अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्ज़, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की बादशाहियाँ दिखा दी। वो इधर मिन आयातिना, अपनी बड़ी बड़ी आयात, बाजार जो है अल्फाज से ऐसे लगता है उधर सारी आसमान सारी ज़मीन, इधर कुछ आयात। तो उलमा फरमाते हैं कि ये बज़ाहिर ऐसा है, अल्लाह ने बात पर्दे में फरमाई है, ये वो आयात, आसमान ज़मीन भी उसकी निशानियों में से एक हिस्सा है, इससे वराउल वरा भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिखा दिया है। इजमाल में बात की, लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनता भी है देखता भी है। अल्लाह ताला भी सुनता है देखता है, महबूब भी सुन रहे थे देख रहे थे। नात भी हो सकती है, हमद भी हो सकती है जी मुफ्ती साहब, हो सकती है ना जी, क्योंकि इंसान के लिए, आम इंसान के लिए वजालना समी बसीरा, इंसान को समी और बसीर बनाया, ये तो महबूब कायनात हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल उस सफ़र की मुनासबत से ये भी कहा जा सकता है कि महबूब जब सफ़र कर रहे थे सुन भी रहे थे देख भी रहे थे। बहरहाल मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज, नमाज में फिर इमाम का मसला आया। तो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले पर आगे खड़ा कर दिया, और इमाम बसीरी की याद आई, वो कहते लगे कि सरैत मिन हरमिन लैलन इला हरमिन कमा सरल बद्रु फी दाजिम मिनल गुलमी, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रात के थोड़े से हिस्से में एक हरम थे दूसरे हरम पर, दूसरे हरम की तरफ यूं गए जैसे चौदहवीं का चांद अंधेरी रात में रोशनियां बखेरते हुए जाता है। और आप इतनी बुलंदियों पर जाते रहे, इतनी बुलंदियों पर जाते रहेंगे, यहाँ तक के काबा कौसैन के उस मकाम पर पहुंचे जो वहां तक ना कोई पहुंच सका, ना किसी ने सोचा कभी, ना उसका कभी इरादा किया। वक़द्दमत का जमीउल अंबियाई बिहावर रसूली तकदीम मखदूमिन अला खदमी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबियों ने आपको इसलिए आगे किया, इस शान से आगे किया जैसे खादिम अपने आका को आगे करते हैं। वक़द्दमत का जमीउल अंबिया बिहा वर रसूली तकदीम मखदूमिन अला खदमी, ये उस रात की बातें हैं जिस रात को मेराज हुई। सफ़र आगे चला, तुसी चलना कि नहीं? आखो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र अब ज़मीन से आसमानों की तरफ है। मैंने बात की थी नस्से क़तई से मस्जिद अक्सा तक कुरान करीम की आयत से साबित है, और आगे आसमानों का सफ़र सूरह नजम की आयत से भी साबित है। और ये जो यहाँ इस नस्से क़तई का इनकार करता है वो कुफ्र तक चला जाता है। और जो आसमानों से कुर्ब ख़ास के सफ़र का जिक्र है, ये अहादीसे मोतमदा मशहूरा जो कि तवातुर की हद के करीब पहुंची हुई उनसे साबित है। इसका इनकार करने वाला गुमराह है, ये मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, और वो सफ़र अहादीस में साबित है। बहुत इख्तिसार के साथ मैं सफ़र पे आपको यानी उसके जो झलकियाँ हैं उनको पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, और बात वही करूँगा जो कि उलमा ने की है, इधर उधर की नहीं करनी इंशाअल्लाह। एहतियात करें, इस दौर में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का गालिबन कौल है कि अल इसनाद मिनद दीन, सनद ना दीन का हिस्सा है, अगर ये ना होना तो जो चाहे जो मर्ज़ी कहता रहे। जैसे आप सुनते रहते हैं ऐसी ऐसी अजीब बातें। मेराज के वाले से भी हमारे लोग सादा कहते हैं जी अल्लाह ताला को नहीं रिहा गया, वो छोड़ा नहीं सिया गया, माज़ल्ला। भाई अल्लाह उस समद की शान है, अल्लाह ताला बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके मोहताज हैं, इसमें किसी को शक है? महबूब भी हैं, मोहताज भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस रब की बारगाह से ही अता होता है, ये हमारा अकीदा है। अब ये कहें जी उसके विछोड़ा नहीं सिया गया, दिन नहीं रिहा गया, और फिर कई लोग बेवकूफ़ अपने इश्क के दलील बनाते हैं इसको, अपने जाली इश्क की, फिल्मी इश्क की दलील बनाते हैं इसको। तूबू इलल्लाह, उनको तोबा करनी चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, माअल्लाह, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बस इतना समझ लें कि अल्लाह है बेनियाज, मगर उसने अपने महबूब की शानें दिखानी थी, महबूब को बुलंदियों पर बुलाया है, अपने कुर्बे खास में बुलाया है, वरना वो तो हर लम्हे फरमाता है इन्ना का बिया यूनी ना, महबूब तुम तो हमारी निगाह कुदरत के सामने रहते हो। अल्लाह जी यरा कहीना तकूम, महबूब वो ज़ात तो तुझे उस वक्त भी देख रही होती है जब तुम क़याम कर रहे होते हो, वह तकल्लुबा का फिस साजिदीन, जब तुम सजदा करने वालों में सजदा कर रहे होते हो उस वक्त भी देख रही होती है। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, जब किबला बदलने के लिए नमाज पढ़ते हुए बार बार आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा है, हम देख रहे हैं। तो वो रब जो है वो किसी का मोहताज नहीं। तो ऐसे शेर, वो छोड़ा ना सैंड था, इस तरह दिया जरे शेर ने ना तो एहतियात करनी चाहिए। शेरों ही पढ़ो जरे आलमा ने लिखे थे, नाले मेराज का जो है ना ये जगह नाजुक जगह है, इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने वही बयान करना है जो उलमा ने बयान कर दिया। तो बहरहाल आसमानों की तरफ सफ़र जारी है। आसमानों पर पहुँचे सातों आसमान, सातों आसमानों पर हर आसमान पर दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा बंद था एजाज़ के लिए, जैसे आप किसी बड़े मेहमान ने आया हो तो दरवाज़ा बंद रखते हैं, जब वो आते हैं तो उनको वेलकम करते हैं, आगे जाते हैं। तो वहाँ पर पूछा गया कौन, कहा गया जिब्रील। साथ कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आज इन्हीं को बुलाया गया है? हदीस का तर्जुमा, क्या आज इन्हीं को? हाँ जी, इन्हीं को बुलाया गया है। मरहबम बिही फलनेमल मजीद, सरकार की आमद मरहबा, उससे तर्जुमा हो सकता है ना इस तरह, मरहबम बिही वेलकम, मरहबा, बड़ी शान वाले आए हैं। पहले आसमान पे हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आप कहते हैं मरहबन बी नबीन सालिहिन वबनिन सालिहिन, साले नबी और साले बेटे को वेलकम हो। दूसरे आसमान पे हज़रत यहया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिलते हैं, वो भी इसी तरह मरहबा कहते हैं। तीसरे आसमान पे हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम मिलते हैं, वो भी मरहबन बी नबीन सालिहिन वाखिन सालिहिन कहते हैं कि वेलकम हो नबी साले को, खुश आमदीद हो नबी साले को, मरहबा हो नबी साले को और साले भाई को। यहाँ साले से मुराद आम साले नहीं है, इस साले का तर्जमा आला हजरत की जुबान में यूँ है कि अल्लाह के खास कुर्ब की सलाहियत वाला। फिर चौथा आसमान आता है, यही इसी तरह दरवाज़ा खुलवाया जाता है। हजरत इदरीस अला नबीना अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल करते हैं। फिर पाँचवा आसमान आता है, हजरत सैयदना हारून अला नबीना अलैहिस्सलाम मरहबा कहते हैं। फिर छठा आसमान आता है, हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल करते हैं। फिर सातवां आसमान आता है, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल फरमाते हैं। हर आसमान पे इस्तिकबाल हो रहा है और बैतुल मामूर से वो टेक लगा कर बैठे हैं, और बैतुल मामूर वो जगह है जो फरिश्तों का किबला है। यहाँ पर भी नमाज हुई। एक रवायत के मुताबिक यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब फरिश्तों को इमामत करवाई, आप इमामुल मलाइका भी बन गए। और यहाँ पर याद रखिए ये सारे अंबिया किराम मिले, पहले बुर्राक था, सोने की सीढ़ी भी पाँव में, जब आसमानों की तरफ जा रहे थे। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा रस्ते में सोने की सीढ़ी आपके एजाज़ के लिए बिछाएगी। उससे एक पैगाम ये मिला, ये सोना दुनिया की दौलत है, ये माल है, इसको पाँव तले रोंदोगे अल्लाह बुलंदियाँ अता फरमाएगा। मतलब क्या? पाँव तले रोंदने का कि मतलब इसकी फिक्र से अपने आप को निकालोगे तो बुलंदियाँ अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक मैसेज ये भी है इसमें से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सवारी के मोहताज नहीं। बुर्राक भी आया, सोने की सीढ़ी भी आई, फरिश्तों के बाजू सातों आसमानों पे, फिर सातों आसमानों से सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्रील अमीन के बाजू, उसके आगे रफ रफ, लेकिन मोहताज किसी सवारी के नहीं थे मेरे आका अलैहिस्सलाम। देखो ना दीगर नंबिया कराम मस्जिद अक्सा से उनसे पहले ऊपर पहुंचे हैं, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रफ्तार से जा ही नहीं रहे थे, तो फिर जी सवारी की क्या जरूरत है। एक सिर्फ समझाने के लिए मिसाल, तुम कभी लाड़ा वेखिया, तुम आप लाड़ा बने हो कि नहीं, जेड़े जेड़े लाड़ा बने तो आखन ना सुभान अल्लाह, लेकिन तुम घोड़ी नहीं चढ़े ने, तुम तो गड्डी गए हो गए मेरे ख्याल। कोई ऐसा भी होगा जो घोड़ी चढ़िया होगा, लाड़े नूं घोड़ी दे क्यों चढ़ाया जाता, क्या लाड़ा माजूर होता टुर नहीं सकता, लाड़े नूं घोड़ी क्यों चढ़ाया जाता है। ये नहीं मतलब कि बाकी चल सकते ये चल नहीं सकता, मतलब ये होता है आज इसकी शान का इजहार करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बड़ी बुलंद है, समझाने के लिए ये कह रहा हूँ। सवारियाँ इसलिए नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जा नहीं सकते थे, सवारियाँ इसलिए थी कि आज महबूब की शान को जाहिर करना था। कहीं जन्नती बुर्राक आ रहा है, कहीं जिब्रील अमीन के पर हैं, कहीं फरिश्तों के बाजू हैं, कहीं रफ रफ है। तो ये एजाज़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आगे जारी हुआ सिदरतुल मुंतहा तक। वहाँ पर भी जलवे देखे, सबको बयान करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, न जाने कब जज़ाकल्लाह का नारा आ जाए। तो इसलिए सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा, सिदरा का मतलब होता है बेरी और अल मुंतहा का मतलब एंड, जहाँ पर इख्तिताम हो जाए, इंतहा हो जाए। लेकिन ये इंतहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की नहीं थी, ये बाकी मखलूक की इंतहा थी। जिब्रील अमीन थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वहाँ पर जिब्रील अमीन भी कहने लगे, अगर यकसर मुँह बरतर परम फिरोग तजल्ला बसोदत परम, शेख सादी के अल्फाज हैं कि वो कहने लगे कि एक बाल बराबर भी अगर जाता हूं आगे तो मेरे पर जलते हैं। और इनके वहां पर जलते हैं, आका इससे ऊपर चलते हैं। उनके वहां पर जलते हैं और हमारे आका उससे ऊपर चलते हैं। जफर अली खान से भी नहीं रहा गया, वो कहने लगे कि जलते हैं जिब्रील के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों से शनासा तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आगे, कितने मकाम मैंने बयान किए, मंजिलें सात आसमान, आठवीं सिदरतुल मुंतहा, नवा आ गया मकाम मुकामे मुस्तवा। वहाँ पर कलम के चलने की आवाज़ें भी आपने सुनी, समात फरमाई। और इख्तिसार के साथ मुकामे मुस्तवा के बाद आ गया अर्शे उला, और सफ़र जारी है, सफ़र जारी है लेकिन अकेले। अब अर्शे उला से ऊपर फौका अर्शिल उला, अर्शे उला के ऊपर। और इसीलिए कहा कि वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान है। अल्लाह ताला किसी जगह में बैठने से, किसी जगह में महदूद होने से पाक है, उसकी ज़ात को हम समझ नहीं सकते। यहाँ अर्श पर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। और ओके, किसी ने यूँ भी कहा, काज़मी शाह साहब ने, पहुँचे जो अर्श पे मुस्तफ़ा तो जिब्रील अमी सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। अर्श पर जब पहुँचे वो जगह नो प्लेस, ला मकान, कोई जगह नहीं, ना वहां पर कब, ना तब, ना अब, ना कैसे, ना कहां। तो आप कहीं जाते हैं ना सफर पे, आप जा रहे हो तो कोई ना कोई राही आपको मिलता, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, रौनक लगी होंगी। इसे तरह नाल ताड़े कोई संगी भी होंगे ना जी, कोशिश कर संगी ना होए, कम अज कम बस दी सवारियां तो बाकी नाल होंगे हैं जी। अगे फिर बस जाती है तो किधरे मील मील के उत्ते पत्थर लगे, माइल स्टोन लगे होंगे, पत्थर लगे होंगे, इतने मील हो गया, इतने मील लग गया। फिर कोई मरहला आंदा, फलाना स्टाफ आ गया, फलाना स्टाफ आ गया। लेकिन ए वो जगह जिथे आईना यानी कहाँ भी नहीं, मता कब भी नहीं, कैफा कैसे भी नहीं, इला तक भी नहीं। सुरागे ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई राही, न कोई साथी, न संगे मंजिल, न मरहले थे। न कोई राही, न कोई साथी, न संगे मंजिल, न मरहले थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये नक्शा खींच दिया, इतने ना कोई साथी संगी राही कोई फिरदा, उसे कौन जावे, मजाल है किसी दी उत्थे जावे जिथे जिब्रील अमीन दे भी पर कहन के पर जल जाएंगे। तो फिर हुआ क्या, वो जलवे जिनको हम बयान नहीं कर सकते, और ये उलमा का इत्तिफाक है, हमारे उलमा का। बाज़ लोग इसके इनकार भी करते हैं, हमारे नज़दीकी कहते भी कि जो दीदार इलाही के इनकार करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो ख़ाती या ख़ताकार है, क्योंकि कायनात में सिर्फ एक हस्ती है जिसने दुनिया में अपनी आँखों से यानी सर की आँखों से अल्लाह ताला का दीदार किया। इसके अलावा कोई और अगर दावा करे तो वैसे ही वो काफिर हो जाता है। कोई और ये दावा करे कि मैंने दुनिया में रब को देखा है अपनी आँखों से, वो काफिर हो जाता है, गुमराह या काफिर। कमल्ला अली कारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल मौजूद है। लेकिन एक हस्ती है, सिर्फ एक हस्ती, वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पे बंद रास्ते थे, तुम्हारे लिए खुले हैं वह रास्ते। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे आरिनी कह रहे थे, रब मुझे अपना आप दिखा, फरमाया लन तरानी, तो हर किस नहीं देख सकता। यहाँ अपने महबूब को दीदार कराया और कुरान ने फरमाया माजा गलबसरु वमा तगा लहिल कुबरा, ना आंख बटकी ना इधर उधर हुई। तवज्जो से रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, बात भी हुई जी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो बात हुई वो कुरान पाक में आ गई, सूरह तौहा के अंदर इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, या मूसा इन्नी आना रब्बू का फखला ना अलैका इन्ना का बिलवादिल मुकद्दस तुवा, इसी तरह ही ना करे सब। ये सारा आ गया कलाम, वन अख्तरतुका फस्तमी लिमा युहा, ए मूसा हमने तुझे चुन लिया है, मेरी वही सुनो, सारी आगे वही वही का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने कोहे तूरे सीना पर मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, उसको आम जिक्र कर दिया। महबूब से भी बातें हुई, मगर फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, रब ने कलाम किया अपने महबूब को वही की जो की तुहानू इहदे नाल की। और समझ आ रही है कि नहीं भाई, रब ने वही की जो की, मतलब कि तुहानू इहदे नाल की। महबूब की बात थी, रब अपने महबूब से बातें कर रहा था। कुछ बातें नबी पाक ने बता दी, बाकी फ़ाउहा इला अब्दिही मा औहा, फ़ाउहा इला अब्दिही मा औहा, उस कुर्बे ख़ास में रब के साथ जो कलाम हुआ, रब ने जो कलाम फरमाया, कुछ कुछ जो उलमा ने बयान किया वो भी मैं अभी बयान करता हूँ। लेकिन बात वही है कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी से उसकी तरफ गए थे। तो आज महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो आज़मतें, वो रिफ़तें, वो मकाम मिला। और चंद बातें वहाँ से, उससे मैं आखिरी हिस्से में पहुँच रहा हूँ अपनी गुफ्तगू के। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, हाले होली के ही है, फिर वाकया मैंने हाले होर भी गल्लां आ जानियां जिस तरह से बुलंद आवाज़ आखो सुभान अल्लाह। ये जगह वो है कि जिसका जो जगह है लामकान है ना, ऐसी बुलंदियां जहां कोई जा ही नहीं सकता, जहां कोई जा ही नहीं सकता। वांता तख्तरिकु सबअ तिबाक बिहिम फी मौकिबिन कुंत फीहि साहिबल अलमी। इमाम बुसीरी कहते हैं कि आप उस लश्कर में जिसमें आप ही सरदार थे, झंडे वाले आप ही थे, उसमें आप सातों आसमानों को पीछे छोड़कर आगे तशरीफ ले गए थे। कैमा तफूजा बिवस्लिन अय्यी मुस्ततिरिन अनिल उयूनी वसिरिन अय्यी मुक्ततिमी, ताकि आपको उस वसल की शान हासिल हो जो बहुत ही छुपा हुआ है, जिसको कोई बयान ही नहीं कर सकता। और आपको वो राज बताए जाएं जो बहुत ही छुपे हुए, किसी और पर खुल ही नहीं सकते। वजल्ल मिकदारुमा वुल्लीत मिन रुतबिन वअज़्ज़ इदराकुमा उलीत मिन नियामी, उस रात जो आपको मर्तबे मिले हैं उसकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, और उस रात जो आपको नेमतें मिली हैं कोई उसको पा ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। क्या नेमतें बता दूँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਜੀ। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ कारी साहब ने ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं आख्या कि ਅਸੀਂ ਕੀ करना। बहुत सी नेमतें बयान की गई, बहुत सी शानें। देखें वैसे तो एक अलहदा मौजू है जन्नत की सैर, उसमें कुछ इनामात देखे, जहन्नम का मुआयना, जन्नत के अंदर ही उनके सामने जहन्नम से पर्दा हटाया गया। जहन्नम के अंदर कुछ अजाब देखे बेनमाजियों के हवाले से और इसी तरह सूद खोरों के हवाले से और दीगर सारे, वो एक अलहदा मौजू बनेगा, कभी मुफ्ती साहब खुद आपको बयान फरमाते होंगे, फरमाया भी होगा इन्होंने, वो आज नहीं बयान करता। लेकिन ये है कि ख़ास ख़ास इनामात। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, लेकर के गया, लेकर क्या गए, वही अब्दियत वाली बात है। अत्तहियतु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मेरी कौली इबादतें, मेरी बदनी बातें, मेरी माली बातें, इलाहा इल्लल्लाह बिन सब तेरे लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से अता क्या हुआ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हों। तो जो है फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, जब बात तो हो गई, उधर से नियाजमंदी पेश की, उधर से सलाम आ गया, तो महबूब और मुहिब की बात ही बात ख़त्म हो जाती। आप कहीं सैर पे जाते ना, कोई बहुत अच्छा मंजर हो या बहुत मौजें कर रहे हो ना, तो घर वालों को भूल जाते हैं, दोस्तों को, पीछे कोई काम ड्यूटियाँ भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, हो जाता है ना, बंदा जब खो जाए, जब बंदे को किसी जगह जाके कुछ हो जाए और बंदा खो जाए, तो फिर वो पीछे उसको याद नहीं रहता कि घर भी है। इधर इतनी बड़ी बारगाह, रब का कुर्बे खास, महबूब की न्याजमंदी पेश हुई, महबूब को रब्बे कायनात ने सलाम अता फरमाया। बात तो मुहिब और महबूब की थी, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन रब के महबूब कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हम पर भी सलाम और सारे नेक बंदों पर भी सलाम। मतलब क्या, महबूब ने उस मौके को देखा कि अब रहमतें हो रही हैं तो सिर्फ मुझ तक ना रहें, मेरी सारी उम्मत पर हो जाए। आपका एक सवाल हो सकता है कि अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम और सारे नेक बंदों पर, यहाँ तो नेक बंदों पर भेजा है तो गुनाहगारों का क्या बनेगा। ओ भाई, अलैना, हम पर जो कहा ना नबी रहमत ने, इस हम के पर्दे में हमको, इस हम के पर्दे में हम गुनाहगारों को, काला अपना जो आपका काला कंबल शरीफ है, काले कंबल पोश आका ने, मुजम्मिल की शान वाले ने, मुद्दसिर की शान वाले ने हमें अपनी चादरे रहमत में छुपा लिया। अलैना के अंदर हम पर भी सलाम। इसीलिए तो आज रात हम कहते हैं कि बैठो, इस मेराज का जिक्र करो, इस मेराज की रात भी आका तुम्हें नहीं भूले, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, जिक्र कर सरवरे अंबिया का, नाम ले उस हबीबे खुदा का, खलवतों जलवतों में नियाजी जो तुमको भूला नहीं है। और सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा, उम्मत ले रो रो के दुआ कौन करेगा। ये आका अलैहिस्सलाम ने अलैना के पर्दे में हमें ले ली। अच्छा देखिए, वो कलिमात आपने कभी पढ़े, ये जो ये अत्तहियात और अस्सलामु अलैका, ये कहीं पढ़े जाते, जेड़े पढ़ते हो तो आखो ना कहाँ पढ़े जाते, इसे क्या कहते हैं, तशाहुद। अब तशाहुद में पढ़े जाते, लेकिन एक नुकता याद रखिएगा, कई लोग कहते नहीं जी बस ये वो हकायत है, यहाँ कोई डायरेक्ट सलाम नहीं है नबी पाक, लेकिन उलमा ये फरमाते हैं अगरचे ये मेराज की याद है। अच्छा ये भी नुकता समझ आ गया इसमें कि मेराज की याद तो नमाज में रख दी अल्लाह ताला ने, है कि नहीं, मेराज की याद अल्लाह ताला ने नमाज का हिस्सा बना दिया। लेकिन ये हिकायत नहीं, हिकायत मुराद के उस वाक्य को बयान करना नहीं कि नबी पाक ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा। उस वक्त अगरचे अल्फाज मिलते जुलते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये अर्ज कर रहे होते हैं, सलाम भी हम भेज रहे होते हैं नबी पाक, ए नबी तुम पर सलाम, नमाज के अंदर। और इसी तरह अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज कर रहे होते हैं, हमारी कोली बातें, हमारी बदनी बातें, हमारी जो माली बातें हैं, इलाहा इल्लल्लाह सब तेरे लिए। अब बात समझ आ रही है, अगर मिसाल समझ नहीं ना आई तो आप मुझे बताएं कि ये तकबीर तशरीक कहते हैं ना आप, इधर आप कहें ना कैसे कहते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। तो ये जो आप कह रहे होते हैं ये इबादत के लिए होती है, आपकी तरफ से होती है, लेकिन इसमें भी यादें अल्लाह अकबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा। जब छुरी फेर रहे थे अल्लाह अकबर कहा, जब वो जो मेंढा लेकर आए तो उन्होंने हज़रत जिब्रील अमीन ने ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा। जब वो खड़े हो गए हज़रत इस्माईल बचकर तो उन्होंने कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये उनके वाक़े को लेकिन हम यहाँ हकायत नहीं कर रहे होते, अगरचे जो इसमें डेडिकेशन है उन्हीं के साथ है, लेकिन हमारे लिए अलहदा वजीफा भी है कि हम रब की हमद और किबरियाई भी बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह ये अगरचे मेराज के रात कलाम हुआ था, कन्वर्सेशन हुई थी, अल्लाह ताला अपने महबूब से गुफ्तगू फरमाई थी अल्लाह ताला ने, लेकिन अब ये हमारी तरफ से है, उधर से मेराज की याद भी है, इधर से हमारी तरफ वजीफा भी है। तो इसलिए हम नबी पाक को सलाम पेश कर रहे होते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये मेराज की रात की एक बात ये जो हुई, जो जाहिर हो गई। एक तो वो भी था ना मुफ्ती साहब जी, मुकम्मल कर दिए जी जी, मुफ्ती साहब ने मुख्तसर करना फरमा छड़े है, थोड़ी तवज्जो होनी चाहिए है, तीसरी चंद को मुख्तसर ही कर दिता जाए। बुलंद आवाज से कहते हैं सुबहान अल्लाह। भाई ये भी तोहफा मिला, दूसरा तोहफा, हाँ एक कलाम ये भी हुआ था, उदनु मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद करीब आइए, बड़ा मोहम्मद करी हो अहमद करीब आ सरवर मुमज्जद, निसार जाऊँ वो क्या निदा थी वो क्या समा था वो क्या मज़े थे, हाय हाय निसार जाऊँ ये क्या निदा थी अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे उसकी शान के लायक है। उदनु या मोहम्मद, ए मोहम्मद करीब आइए, हाँ जी, निसार जाऊं ये क्या निदा थी ये क्या समा था ये क्या मज़े थे। तो बहरहाल उन जलवों में ये बातें भी हुई और ये इतनी बुलंदियां। आइंस्टाइन, मुझे याद आया आइंस्टाइन ने ये लिखा, उसने कहा कि मैंने रेडियो जो दूरबीन है ना उससे, कोई लफ्ज़ गलत हो जाए अंग्रेजी तो माजरत है, उससे मैंने दूर 2 करोड़ नूरी साल के फासले पे ये कहकशां देखी है। और 2 करोड़ नूरी साल से क्या मुराद है कि रोशनी की स्पीड ये है कि 1 सेकंड में रोशनी 1 करोड़ 86 मील, 1 करोड़ 86 जो मील जो है वो ये रोशनी जो है वो 1 सेकंड में पहुंच जाती है। और ऐसी रोशनी जिसकी इतनी स्पीड है वो 2 करोड़ साल में वहां पहुंचेगी। तो ये आइंस्टाइन कहता है कि कायनात की वुसअत इतनी बड़ी। फिर उसने ये भी कहा कि मुझे 1 मिलियन, ये 10 लाख मिलियन में होते हैं ना जी, 1 मिलियन साल भी मिले, आइंस्टाइन कहता है मैं इस कायनात को फिर भी नहीं देख सकता, सारी कायनात का मुशाहिदा नहीं कर सकता। इतने आलमीन हैं, इतनी वसतें हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतने ऊपर बुला के बता दिया। साइंसदान बाद में साइंस करके तरक्की करके कभी चांद पे कभी मरीख पे कमंद डालने की बातें करेंगे, महबूब को इतनी बुलंदियों पे बुला लो। महबूब के जो इस उम्मती हैं वो ये नाज से बताएं कि लोग जो है जितने मर्जी दावा करें, जहां महबूब पहुंचे हैं वहां कोई पहुंच नहीं सकता। और इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे, इतनी बुलंदियों पे जो तोहफा मिले वो कितना बुलंद होगा। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, ये आवाज बुलंद होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। इतनी बुलंदियों पर जो तोहफा मिला, मैं पहले एक और तोहफे का जिक्र करता हूं। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, अल्लाह ताला के महबूब को एक ये भी एजाज़ मिला, डायरेक्ट कलाम सुना। वही की एक ये भी सूरत है कि अल्लाह ताला डायरेक्ट कलाम फरमाए, महबूब को ये शान भी मिली। और उसमें ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, आमन रसूल। एक रवायत का मफहूम है, जो बंदा रात को सोते वक्त ये 2 आयत पढ़े, तोहफा लैके जाना जी। सुबह तुम ड्यूटियां तो जाना, उन्होंने लगता जाके तुम सो जाना है, तो चलो ये 2 आयतां तो पढ़ लेना। केड़ियां? सूरह बकरा दियाँ आखिरी 2 आयतां। जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़े उसको हर नागहानी आफात से ये काफ़ी, हर परेशानी आफात से ये किफ़ायत करेंगे, ये 2 आयत। और एक रवायत के मुताबिक सूरह वद्दुहा और अलम नशरा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वास्ता अल्लाह ताला से डायरेक्ट सुनी, जैसा उसकी शान के लायक। और समझ आ रही है? ये तोहफे अभी छोटे, एक बड़े तोहफे की बात में करनी आखिर में। एक और तोहफा क्या फरमाया अल्लाह, ये भी बहुत बड़ा तोहफा है। फरमाया महबूब तेरी उम्मत में से जो कुफ्र और शिरक नहीं करेगा, जिन्ने मर्जी गुनाह करे मैं उन्हें बख्श देंगा। बख्शिश आखिरकार होनी है, इसका ये नहीं मतलब कि गुनाहों पे सजा नहीं हो सकती, गुनाहों पे सजा के बाद फिर भी होगी अगर किसी की होनी हो, जैसे अल्लाह चाहे। उसकी रहमत और उसका जो जलाल है वो बेहतर जानता है। बाहर क्या, इसके बाद एक और तोहफा फरमाया कि कोई बंदा अगर नेकी का इरादा कर लेना, अभी करे ना, एक नेकी उसको अता फरमाऊंगा, और अगर कर लेगा तो कम अज कम 10 उसे अता फरमाऊंगा, और अगर गुनाह का वो इरादा कर ले, करे ना तो लिखूंगा नहीं, जब करेगा तो सिर्फ एक गुनाह लिखूंगा। ये किसके तोहफे हैं? सारे किसके तोहफे हैं जी? मेराज शरीफ के। और एक बहुत बड़ा तोहफा, अल्लाह ताला ने महबूब करीम को 50 नमाजें अता फरमाएं। कितनी नमाजें? 50 नमाजें। वैसे अल्लाह ताला का इल्म माजी मुस्तकबिल सब के लिए है, तो 5 ही करनी थी बाद में, तो पहले ही 5 फरमा देता, सवाल उठता ना। लेकिन यहाँ हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की शानों का इजहार होना था। 50 लेकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की फसल व तखफ़ीफ़, अल्लाह ताला से जाके कंसेशन मांगिए, कमी मांगिए, मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकी 2, तो आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी 50। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे, हर बार 5 कम होती रहीं, और 9 मरतबा गए, 45 नमाजें कम हो गई। मैं जल्दी असली करती हैं, टाइम थोड़ा नहीं देता, 9 दे 9 फेरे लवाने सन। सुभान अल्लाह, रह गई 5। अब जो 5 रही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अर्ज करने लगे कि आप जाइए, ये भी मुश्किल है। तो नबी पाक ने फरमाया, इतनी मरतबा गया हूं, अब मुझे रब से हया आती है। अल्लाह ताला हमें भी नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी पाक और अल्लाह ताला के अहकाम के सामने हमें हया इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए अल्लाह का करम, देखिए फरमाया, मफहूम उसका मैं बयान कर रहा हूँ। फरमाया कि महबूब, मैंने 50 कहीं, तेरी लाज रखते हुए 5 कर दी, बात तेरी भी मान ली, कौल मेरा भी नहीं बदलेगा। तेरी उम्मत में से जो 5 की पाबंदी करेगा उसे पूरे 50 नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। ये पैकेज आसान है कि नहीं है? एक दे बदले 10 कम अज कम तो पैकेज है ना। तो इस पे हमने मेराज का ये तोहफा है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। नबी पाक अपनी शान के लायक रब के कुर्ब ख़ास में जाके हम कलाम हुए। हम जब नमाज में जाते हैं हमारी काल रब से मिल जाती है। युनाजी रब्बाहु, नबी पाक ने फरमाया जब बंदा नमाज पढ़ा होता है अपने रब से बातें कर रहा होता है, सरगोशियाँ कर रहा होता है, मुनाजात कर रहा होता है। ठीक है जी। और ऐसी हसीन इबादत है जिसमें तिलावत भी है, जिसमें तस्बीह भी है, जिसमें तहमीद भी, अल्लाह की हमद भी है, तस्बीह सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम भी है, जिसमें तकबीर भी है, अल्लाह अकबर, जिसमें तहलील भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसमें सना भी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, और जिसमें दुआ भी है, रब की बारगाह में आखिर में हम दुआ भी करते हैं, जिसमें कुरान की तिलावत भी है, जिसमें रुकू भी है, जिसमें सुजूद भी है, जिसमें क़याम भी है, जिसमें क़ुऊद भी है, जिसमें सलाम भी है, जिसमें दुरूद भी है। तो नमाज कैसा पैकेज है जी? आसान जी। तुम बुलंद आवाज़ इंशाल्लाह कहोगे ना तो गुफ्तगू खत्म हो जानी है। हाले नहीं, ठहर जाओ यार, गल तो पूरी सुन लो ना। इंशाल्लाह कद ते कहना है, मैं बड़ा गुनाहगार है वैसे, लेकिन ये मतलब कि उस गल का जी गुफ्तगू का खुलासा है ना कि सानू इन्हें सारिया गल्लां तो दर्स लेना चाहिए है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतें सुन के तो हमें मचल जाना चाहिए कि जिनको मान के गुनाहगार हो कि इतनी अताएं होनी है, तो अगर हम उनके फरमाबरदार हो जाएंगे तो फिर कितनी अताएं होंगी। जिनके सदके गुनाहगारों पर इतनी अताएं होंगी, तो अगर हम उनकी बात मानेंगे तो फिर कितनी। तो भाई एक बात है, इन्हें माना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान की। तो इंशाल्लाह आपने इन बातों पे कहना है। एक तो यह है कि उलमाए हक से दीन की तालीम हासिल किया करें, गुफ्तगू करते हुए एहतियात किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के अहले बैत, सहाबा किराम, औलिया किराम, इनके हवाले से बहुत मोहतात होकर बात किया करें, बेअदबों में नहीं चले जाना। इसलिए कहा था ना किसी ने कि मंग पना मोहम्मद बख्शा, बेपरवाह जनाबों, मत कोई गल अवली होवे, रद्द होवे उस बाबों। एक तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, अकायद की हिफाजत करें, उलमाए हक के पास आएँ, इनसे सीखें, और जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने जो बयान किया है उसको तवज्जो से सुने, उस पर अकीदा रखें। उसके बाद ये तो हो गया ना अकीदा दुरुस्त। उसके बाद फिर 5 वक्ता नमाज मेराज का तोहफ़ा है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मैं मेराज से वापसी के और बड़े वाक़े सारे मैंने हज़्फ़ कर दिए। ये आपसे गुजारिश है, सब लोग नमाज की पाबंदी करेंगे और आप सब ने अब बुलंद आवाज़ इंशाअल्लाह कहना है, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे पांचों नमाजें बाजमात पहली तकबीर के साथ मस्जिद में अदा करेंगे।